महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएमडी न्यूज के खास शो सीधा सवाल में। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश किया। कई उम्मीदों, कई अपेक्षाओं की कसौटी पर इस बजट पर कई लोगों की तो अपनी अपनी राय है, पर आम आदमी के लिए इस बजट में क्या राहत है, क्या सहूलियत है, इस पर है आज का हमारा विशेष कार्यक्रम क्या कहता है बजट। जी हाँ, क्या कहता है बजट। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया है। इनकम टैक्स में कमी की आस लगाए वेतन भोगियों को निराशा ही हाथ लगी है। बजट में डिजिटल करेंसी शुरू करने, अगले 3 सालों में नई पीढ़ी को 400 वंदे भारत ट्रेन, डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सीतारमण ने चौथी बार केंद्रीय बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है, साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि साल 2014 से ही सरकार का फोकस नागरिकों के सशक्तिकरण पर है। आइए एक विशेष रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। केंद्रीय बजट 2022 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई फेरबदल नहीं हुआ, ये पहले की ही तरह चलता रहेगा। जबकि मोदी सरकार ने कॉर्पोरेटिव टैक्स को घटाने के साथ उस पर लगने वाला सरचार्ज को कम किया है। संसद में 90 मिनट के अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी बताया कि पेंशन पर लगने वाले टैक्स में कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। जहां क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स चुकाना पड़ेगा, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक एक नई डिजिटल करेंसी लेकर आएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आए इस बजट में सीतारमण ने कहा, ये बजट अमृतकाल के अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है। 60 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। अगले 3 साल में 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन लाई जाएंगी। अगले 3 सालों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित होंगे। साथ ही ई चिप लगे पासपोर्ट इसी साल आएंगे। पोस्ट ऑफिसों यानी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से लैस किया जाएगा। 5G सेवा इसी साल आएगी और गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। इसके साथ जिन खास बातों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने खास तौर पर जोर दिया, आइए उस पर ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं। Thank you.
मिलाकर इस बजट को जहां आर्थिक सलाहकार और फाइनेंशियल एडवाइजर जहां एक बैलेंस्ड बजट बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है और साथ ही साथ इस बजट के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया है। पॉलिटिकल डेस्क जेएमडी न्यूज। आपने रिपोर्ट देखी, समझने की कोशिश की होगी कि आपको क्या मिला, आपको उम्मीद क्या थी, आम आदमी को क्या मिला, मध्यम वर्गी को क्या मिला और इन सब के बीच व्यापारियों को क्या मिला, किसानों के लिए क्या कुछ कहा गया। चुनावी साल है, 5 राज्यों में चुनाव है, 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर किसानों का वोट बैंक बड़ा है। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पश्चिमी यूपी जहां पर सबकी निगाहें हैं, 136 सीटें, 109 बीजेपी पिछली बार पाई थी और जब बजट पेश किया गया तो किसानों के लिए बहुत सारी बातें की गई। किसानों के लिए कहा गया कि हम आपको हाईटेक करेंगे, डिजिटल करेंगे, पीपीपी मॉडल के तहत, ठीक है करिए। 1208 मीट्रिक टन जो धान और गेहूं है वो खरीदा जाएगा 163 लाख किसानों से, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं एमएसपी पे, किसानों को लुभाने की कोशिश है, समझने की कोशिश कीजिए, किसानों को दिया है, ठीक है, क्योंकि किसानों को शायद मनाना भी जरूरी है, किसान आंदोलन हो चुका है। 2,37,000 करोड़ रुपए का एमएसपी सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगा, बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है। 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, सृजित किए जाएंगे रोजगार। इन सबके बीच क्या कहता है बजट पर, आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल है, हमारे साथ डॉक्टर नितेंद्र यादव हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं बीजेपी से हैं, हमारे साथ तुफैल अहमद हैं कांग्रेस से। सबसे पहले मैं तुफैल अहमद के पास आना चाहूंगा। तुफैल जी, विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि जीरो बजट है जबकि बीजेपी कह रही है मजबूत है बजट? आपको बता दें जो विपक्ष कह रहा है जीरो बजट है उसमें आप देखिए कहीं भी मध्यम वर्ग, हमारा जो गरीब जो मध्यम वर्ग गरीब वर्ग में तब्दील हो रहा है उसके लिए, मझोले अपने व्यापारियों के लिए या व्यापारियों के लिए देखिए, किसानों के लिए कहीं भी ये सरकार इसको कहीं भी राहत देती नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं आप देखिए ये बजट जीरो बजट इसलिए कहा जाएगा कि जो आम आदमी को कहीं भी राहत बजट में राहत प्रदान नहीं की गई, ना किसानों को, ना व्यापारियों को, ना युवाओं को, ना मध्यम वर्ग के गरीब के लिए इसमें कुछ नहीं है। देखिए ये बजट पूरी तरीके से आप देखिए पूरे बजट में नीता सीतारमण जी ने गरीबी रेखा गरीबों का दो बार जिक्र किया है। ये बजट पूरी तरीके से पूंजीवादी बजट है। आप देखिए कि कॉर्पोरेट टैक्स 18% घटाकर 15% कर दिया गया, सीधे सीधे कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने का। आप कह रहे हैं वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे, लेकिन आप देखिए कि मध्यम वर्ग कौन से ट्रेनें हैं, 100-200 की बात नहीं, 400 दो ट्रेनें तो चल नहीं पा रही हैं सरकार से, और कहीं ना कहीं ये निजीकरण की ओर इन ट्रेनों को देने का प्रयास है। और देखिए जो लोग ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं वो 400 ट्रेनें की बात कर रहे हैं। सीतारमन जी बार बार कहती है 25 साल का बजट है, पहले बजट में यही कहा था, आज 7 साल हो चुके हैं, कहती है ब्लूप्रिंट है 100 साल का। कहीं ना कहीं ये बजट 25 साल का ब्लूप्रिंट है, कहीं ना कहीं ये देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं और देश का कर्ज बढ़ा रहे हैं ये लोग, और कहीं ना कहीं इस देश की अर्थव्यवस्था को भाजपा चौपट करने लगी हुई है। वित्त मंत्री ये चुनावी बजट है, कहीं ना कहीं ये गुमराह करने के लिए है और पूरी तरह से ये जो आम वर्ग है किसान है आप इससे संतुष्ट नहीं है। किसानों को 2,37,000 करोड़ का एमएसपी भुगतान किया जाएगा, 1200 खरीदा जाएगा। आप देखिए जी पिछले बजट में इन्होंने कहा था कि एमएसपी का भुगतान करेंगे, आज तक वो आधा भुगतान नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं ये झूठ का फरेब का इन्होंने जो अपनी जीडीपी बताई वो भी कहीं ना कहीं एक बनी बनाई जीडीपी है। आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। तुफैल जी, कोरोना काल में जीडीपी जो थी पटरी से नीचे आई, अर्थव्यवस्था धड़ाम हुई, सारे कामकाज रुक गए थे, इस वजह से भी तो हो सकता है अब फिर से एक बार मजबूती करने की कोशिश है। देखिए ये चौथा बजट है जी सीतारमन जी का जी, और तीनों बजट में वो फेल साबित हो चुकी हैं। देश की अर्थव्यवस्था उनके काल में पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। अब आप देखिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को बिल्कुल पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। पिछले आप कोरोना काल में देखिए दूसरी लहर में किस तरह से लोगों ने अपनी जाने गंवाई, किस तरह से
स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट थी, तीसरे बजट में इन्होंने यही कहा था कि हम जो है स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, लोग मर रहे थे, उनको इलाज नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, बेड नहीं थे, और यहां तक कि इनके पास समुचित अस्पताल भी नहीं थे। आज इनका दूसरा कार्यकाल है जी, वो तो कह रहे हैं 5G ला रहे हैं 2022 में, तो 5G ला रहे हैं तो आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं 5G से? इसका जवाब ले लेते हैं, बीजेपी से हमारे साथ है विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, आप पर इल्जाम बहुत गहरे हैं तुफैल जी के, काउंटर कीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं आपका बजट ठीक नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, पूंजीवादियों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए। कांग्रेस का चश्मे का नंबर बहुत हर काम को ले जाकर के उर्दू स्थितियों की संवेदन विवेक जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है, कुछ रुकावट है, कुछ बैरियर है। जी डॉक्टर नितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा तब तक कि जो ऑडियो फॉल्ट है वो ठीक हो जाएगी। नितेंद्र जी, अखिलेश यादव जी विरोध कर रहे हैं, अब तो देखिए पश्चिमी किसानों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई, MSP जो है वो जो है सीधा उनके खाते में पहुंचेगा, खुश होना चाहिए। खुश होने की बात इसलिए भी नहीं है जी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा 8 साल से केंद्र की सरकार और 5 साल लगभग हो रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकार देख चुके हैं जी। ये लोग जो बात कहते हैं उसमें आंकड़ों में जादूगरी करते हैं। अच्छा। और ये हमेशा जुमलेबाजी करते हैं, जैसे ये कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चलेगा, और लेकिन वास्तविकता क्या होती है बाद में बहुत प्यार से विवेक जी लोग कह देते कि हम तो हवाई चप्पल बनाने वालों की बात कर रहे थे, पहनने वालों की बात थोड़ी ना कर रहे थे। अच्छा। ऐसे ही अभी आपने देखा कि पिछली बार भी इन्होंने MSP पर बड़ी खरीद का दावा किया, लेकिन रामपुर के अंदर कई हजार किसानों के फर्जी अकाउंट बना करके और नेपाल से खरीद करके और वहां पर फर्जी अकाउंट में पेमेंट कर दिया गया। तो इस तरीके की जादूगरी ये लोग करने का काम करते हैं। और जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे, निश्चित रूप से ये बजट सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट, ये 4% लोगों का बजट है। आज शेयर बाजार से देखिए कि थोड़ा सा उछाल आने की बात हुई है, वो 4% लोग हैं, और जो हमारे देश के 96% लोग हैं उनको इस पर कुछ नहीं मिला, टैक्स पेयर्स के लिए कुछ भी नहीं। महंगाई आज कहां से कहां बढ़ी है, वो तो कह रहे हैं हमने टैक्स बढ़ाया नहीं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, टैक्स बढ़ाया नहीं, ये बड़ा एहसान करने का काम किया। महंगाई कहां पहुंची है, इस पर टैक्स पेयर्स के लिए और छूट आनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये सिर्फ लोग लुभावन चुनाव को देखते हुए, ये इसको हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि ये जुमला बजट है। चलिए लोग लुभावन आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन किसानों के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, PPP मॉडल के तहत उनको हाईटेक करेंगे, उनको डिजिटल करेंगे, 163 लाख किसान जो है उनसे 1208 लाख मीट्रिक टन जो अनाज खरीदेगी सरकार, और ऐसे में खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, खेती में ऐसे ऐसे यंत्र हैं जो प्रोडक्ट हैं उनको जब वो किसान खरीदेंगे तो सस्ते में दिए जाएंगे उनको, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा चुनावी साल में ही सही। चलिए किसानों का याद तो किया बीजेपी ने, किसानों के लिए कुछ कर तो रहे। किसानों की जो बेसिक आवश्यकता होती है, खाद, बीज, बिजली, पानी, उसमें भी नितिन जी कह रहे हैं दुगनी हो गई है, पहले से ज्यादा मिल रही खाद उनको। नहीं नहीं, बिल्कुल एक बात है, इन्होंने DAP की जो बोरी 50 किलो की होती थी रेट तो उसका बढ़ा दिया और उसका वजन घटा दिया, डबल चोरी की है। इस तरीके की ये लोग फरेब करने का काम करते हैं। इसी तरह क्या इन्होंने खाद के रेट घटाने का काम किया है, क्या कीटनाशक दवाइयों को के रेट घटाने का काम करेंगे, क्या उनको सस्ते रेट पर बिजली देने का काम करेंगे, क्या पानी की सिंचाई मुक्त करने का काम करेंगे? समाजवादी पार्टी ने अभी अभी अपने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, हम उनको मुफ्त सिंचाई देंगे, दवाई का मुफ्त इंतजाम करेंगे, किसानों को फ्री बिजली देंगे। मैं चाहता हूं हमारे साथ एक और खास मेहमान है, राजीव सिंह फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। राजीव सिंह जी आपका स्वागत है, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा इसी सवाल के साथ, आपको ये बजट कैसा लगा क्योंकि आप निष्पक्ष बैठे हुए हैं जी। नमस्कार। देखिए सबसे पहली चीज तो सरकार कोई भी हो वो देश की बेहतरी चाहती है, देशवासियों की बेहतरी चाहती है, ऐसा मेरा मानना है जी।
तो देखिए अगर इस बजट को हम देखें तो हम दो तीन नजरिए से देखते हैं। हाँ। जैसा कि पहला हम देखते हैं कि चर्चा है दो दिन से शेयर मार्केट में बहुत सारा उछाल है जी, तो शेयर मार्केट बढ़ने जब बजट अच्छा होता है शेयर मार्केट के लिए तो शेयर मार्केट बढ़ता है। तो कल आर्थिक सर्वे आया, हाँ। आज फुल बजट आया, आम हाँ। बजट आया, दोनों में मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया तो शेयर मार्केट के हिसाब से तो बजट के लिए थम्सअप है जी। अब दूसरा देखें, दूसरा अगर हम पहलू देखते हैं कि बाकी लोगों के लिए क्या है, तो हमें ये लगता है कि ये बजट कहीं ना कहीं किसान ज्ञान विज्ञान के इर्द गिर्द घूम रहा है। सरकार का डिजिटल इंडिया की तरफ फोकस बहुत ज्यादा हाँ। है। डिजिटल इंडिया को जैसे देखिए, इस शब्द को लगभग 48 बार प्रयोग किया गया है 90 मिनट के भाषण के दौरान, बजट भाषण के दौरान। देखिए डिजिटल इंडिया क्यों जरूरी है या डिजिटल होना क्यों जरूरी हाँ। है कि हम कोरोना काल में हमने देखा है कि सारी स्कूलें बंद थी या बहुत सारे जब हम कहीं पे शॉपिंग करने जाते थे तो वहाँ कैश का लेन देन बहुत कम, वर्क फ्रॉम होम, लोग घर से काम कर रहे थे जी वर्क फ्रॉम होम। तो जो वर्क फ्रॉम होम था या जो ऑनलाइन क्लासेस थे ये न्यू नॉर्मल हो गया है जी। मतलब अब ये हम ये मानने लगे जीवन का हिस्सा हो गया, ये जीवन का हिस्सा हो गया है। तो सरकार ये भी कह रही है कि आगे चल के हम जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस के जो ब्रांचेज है उसको हाँ। कोर बैंकिंग में शामिल कर देंगे और जिससे डिजिटल इंडिया की तरफ जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें हम किसानों को भी जोड़ेंगे। ये तो रही राजीव सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा, मेरे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए, उनके पास इसलिए जाना खास और अहम हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के डॉक्टर नितेंद्र ने सवाल पूछा है, उन पर सवालिया प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तुफैल अहमद जी जो कांग्रेस से हैं उन्होंने भी प्रश्न चिन्ह लगाया इस बजट पे। विवेक श्रीवास्तव जी, ये पूंजीवादियों का बजट है, तुफैल अहमद जी कह रहे हैं, डॉक्टर नितेंद्र यादव जी कह रहे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावना बजट पेश किया है, काउंटर कीजिए, जवाब दीजिए। कोविड काल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था लेने वाला और इसी उपकरणों को जो रियायत क्षेत्र में रियायत दी गई है, आज की कृषि हाथ घर से नहीं होती, आज की कृषि कृषि उपकरणों पर आधारित होती अच्छी खेती होती। हम लोग जानते हैं कि देश की 70% जनता कृषि आधारित जीवन जीती है, किसी न किसी का संबंध कृषि से है। ऐसे में कृषि प्रस्तावों को भी सरकार ने रियायत दी है, उसका खेले दिन से स्वागत किया गया है। उद्योगों के जो व्यक्तिगत विवेक श्रीवास्तव जी, एक सवाल यहाँ बेहद खास और अहम इसलिए बन जाता है क्योंकि आपकी पार्टी की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान यह भी कहा है कि जो खेती है ऑर्गेनिक खेती वो गंगा के दोनों ओर कराई जाएगी, जिससे गंगा भी साफ होगी, उस चीज को भी बल मिलेगा। लेकिन राकेश टिकैत जी ने साफ तौर पर एक बार फिर से वही पुराना राग अलाप दिया है, कहा है एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना देते कि आप मंडियां कभी खत्म नहीं करेंगे, एमएसपी परमानेंट रहेगी रहेगी, इस पर उन्होंने आपको घेरने की कोशिश की है। एमएसपी के लिए सरकार वचनबद्ध है, एमएसपी के लिए पिछले बजट में प्रावधान नहीं किया गया और पिछले चरण की देखा गया हमारी जितने सभी सरकारें हैं उन्होंने रिकॉर्ड स्तर पर एमएसपी के अंतर्गत खरीद की। कभी कभी सरकार एमएसपी के खरीदार करने की ना सकती है ना ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो सरकार किसानों के लिए जमीन के लिए और पूरे जो वातावरण का लाभ मध्यम वर्ग को मिलेगा उसके बजट को ले रही है। ये बजट दूरगामी है, इसके परिणाम दूरगामी होंगे और जितने लोग बार बार चाहते हैं कि साहब 5 लाख के चुनाव के चुनाव के दृष्टिगत से बजट करेंगे, ऐसा कोई बजट नहीं होगा। चलिए ठीक है मैं आपके पास आऊंगा फिर आऊंगा आपके पास। डॉक्टर नितेंद्र हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर नितेंद्र जी, किसानों के लिए आपने कहा कि ठीक है लोक लुभावना बजट है, चुनावी साल है, किसान भी तो नागरिक है और
65% लगभग कृषि से जुड़े हुए लोग हैं इस देश में, 65 से 70%, और हमारी राष्ट्रीय आय भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है। ऐसे में अगर कुछ घोषणाएं की जाती हैं तो उनका ठीक है, आप सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, ठीक बात है, ये लोकतंत्र में आपको आज़ादी है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर अच्छी हो रही तो उसका साथ दे दीजिए। जैसा कि अभी एक बात राजीव सिंह जी ने कहा, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि डिजिटल होना अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है। कोरोना ने हमें बता दिया है कि हम डिजिटल होके ही अब आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस तरह की महामारी में हमने सिर्फ और सिर्फ डिजिटल होके ही काम कर किया है। निश्चित रूप से भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, और जब इस कोरोना की महामारी के दौर में देश के सारे कारोबार घाटे में गए, उस समय भी कृषि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने देश को बचाने का काम किया। देश की सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था जो कृषि आधारित थी, सब नंबर एक पर वही फिट पड़े, बाकी सारे व्यापार घाटे पर गए थे। तो हमारे उन किसानों के लिए आखिर ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, जैसे डिजिटल की बार बात हो रही, डिजिटल इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया होगा, सब कुछ लाइन होगा, 5G व्यवस्था होगी, लेकिन उस 5G का और उस डिजिटल इंडिया का वास्तव में हमारे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता है। जैसा कि बार बार लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि हमारी खेती में जो हमारी लागत आती है उस पर जो हमारा अगर श्रम जोड़ दिया जाए तो हमारी लागत भी नहीं निकलती, श्रम तो अलग की चीज हो गई। तो MSP बार बार हो रही कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि जो उस एरिया में हमारी लागत, कमेटी की रिपोर्ट भी है स्वामी रंगनाथन कमेटी की, 1.5 गुना दिया जाना चाहिए, तो लागत ही नहीं निकल पा रही। तो ऐसे में सरकार का एक लक्ष्य होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमारे किसानों को सपोर्ट दिया जाए। तो जो आम मध्यम वर्गीय किसान है, गरीब किसान है, उसकी बेसिक आवश्यकता होती है कि उसको जो सिंचाई में छूट मिल जाए, उसके जो कीटनाशक दवाइयां होती वो सस्ती हो जाए, उसकी खाद सस्ती हो जाए, जो मेन लागत होती है। डिजिटल इंडिया के तहत आज बड़े किसानों के लिए, बड़े पूंजीपति जो कारपोरेट खेती करते हैं, ये जो बजट है ये उनको लिए फायदामंद हो सकता है, क्योंकि वो बड़े बड़े उपकरण खरीद लेंगे, डिजिटलाइज अपने करेंगे, वो कंप्यूटर लगाएंगे, 5G सुविधा का लाभ ले लेंगे। लेकिन आम जो गरीब किसान है, मध्यम वर्गीय किसान है, ये सरकार ने उसको कहीं भी सामने रख करके बजट नहीं बनाया है, और जिसका विरोध लगातार हमारे किसान करते रहे, दिल्ली की सड़कों में सालों बैठे रहे कि ये कारपोरेट खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उनके बड़े बड़े हमारे गोडाउन बन गए हैं, वो सारी खेती पर कब्जा कर ले जाएंगे। और आज भी किसान नेता इस बात की मांग कर रहे हैं कि मंडी के अंदर कुछ व्यवस्था और है, मंडी के बाहर की कुछ व्यवस्था और है। तो ये जो गैर बराबरी हो जाएगी, इसके लिए ही तो एक कानून की बात हो रही है कि MSP पर कानून हो जाए कि मंडी के भीतर और मंडी के बाहर सेम रेट पर खरीदारी होगी, उससे कम पर अगर कोई खरीदता है, किसानों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इतनी छोटी सी बात है, लेकिन सरकार ने इतना कुछ करने की बात की, मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन क्या जमीनी हकीकत है, क्या धरातल पर आम किसान के लिए, गरीब किसान के लिए, मध्यम वर्गीय किसान के लिए आप करेंगे? ये चंद पूंजीपति किसानों के लिए जो कारपोरेट सेक्टर से आते हैं, जो अपनी इनकम टैक्स में आय बनाने के लिए खेती का उपयोग दिखाते हैं, ये चंद 49% लोगों के लिए मैं बार बार कह रहा हूं। आप ले आए वंदे भारत ट्रेन की बात करें, आप 400 ट्रेनें चलाने की बात कर रहे हैं, क्या आपने इसमें 40 ट्रेनें गरीबों के लिए भी जोड़ी कि वो 400 जो वंदे भारत का इतना महंगा किराया होता है, जो बड़े लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, हमारा गरीब किसान जो जनरल टिकट लेकर के चलता है, सामान्य ट्रेनों में चलता है, जिसका सस्ता किराया होना चाहिए, क्या उस पर भी आपने कोई काम किया है किसानों की बिजली के लिए? सवाल आपका लाजमी है डॉक्टर नितेंद्र, यहाँ पर आपने मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा, के लिए बात वक्त ब्रेक का हो चला है, मैं ब्रेक पे जाऊं, लेकिन ये बात बिल्कुल बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, इस देश की हकीकत है। उन्हीं किसानों के लिए आज डिजिटल हाईटेक करने की बात हो रही है PPP मॉडल के चलते, उन्हीं किसानों से बात की जा रही 1208 लाख मीट्रिक टन धान और गेहूं खरीदने की, अच्छी पहल है, अच्छी बात है, 163 लाख किसानों से खरीदा जाएगा, बड़ी बात है, 2,37,000 करोड़ रुपए MSP उनके खाते में पहुंचेगा, अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई में ये सब जमीनी हकीकत होगा? ये बहस का मुद्दा है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए सीधा सवाल।
क्या कहता है बजट, इसी पे चर्चा करने लगातार हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। बीजेपी से विकास श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर नितेंद्र यादव हैं समाजवादी पार्टी से, तुफैल अहमद हैं कांग्रेस से, साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट है हमारे साथ, फाइनेंशियल एडवाइज़र है हमारे साथ राजीव सिंह जी। अब सीधा रुक करूँगा राजीव सिंह जी का। राजीव सिंह जी, 1200 से 200 ऐसे चैनल बनेंगे जो गरीब और जो आदिवासी लोग हैं उनके बच्चों तक वो चैनल पहुँचेंगे डिजिटल कार्यक्रम के तहत और ई लर्निंग के जरिए, यानी कि अब उन्हें उन चैनल से शिक्षा दी जाएगी एक कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को। देखिए, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है कि आज के दिन हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है। हाँ, हम अपने घर में देखे, आपके घर में देखे, हमारा बच्चा, आपका बच्चा, हर कोई डिजिटल होके मतलब ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जब हम गांव में जा रहे हैं जहां पे लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है या टैबलेट नहीं है जिससे वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये भी है कि सबके पास टीवी भी मौजूद नहीं है, तो सरकार इसमें आगे और क्या करेगी कि बच्चे वहां पे जाके टीवी देख सकते हैं। सरकार ने ये कहा है कि हम 200 चैनल शुरू करेंगे जहां पे 1 से 12 तक की सारे सब्जेक्ट्स के होंगे, वहां पे एजुकेशन दी जाएगी और वो भी रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होंगे। बिल्कुल, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम क्षेत्रीय भाषाएं होंगी उसमें, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम डिजिटल यूनिवर्सिटी भी शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज के जमाने में क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बाहर के, जो विदेशी यूनिवर्सिटी हैं, जो आप यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे उसका से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, वहां से एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये तो मतलब ये समय को देखते हुए ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल होना हमारा आपका सबके लिए ये व्यवस्था है। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। तुफैल अहमद जी हमारे साथ हैं। तुफैल जी, प्रधानमंत्री आते हैं बजट के भाषण के बाद और वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि ये विकास पर विश्वास का बजट है। आपकी पार्टी के पी चिदंबरम जी कहते हैं 2 लाख नौकरियां गई इस दौर में और ये गरीब और रोजगार की कहीं बजट में बात भी नहीं की गई है, ऐसा क्यों? देखिए, आप बजट में देख लीजिए, अभी राजू जी बोल रहे थे कि डिजिटाइजेशन, डिजिटल आप करने जा रहे हैं तो गांव की स्थिति देख लीजिए कि जो गरीब वर्ग था वो और गरीब हो चुका है, किसान और गरीब हो चुका है। अभी नितिन भाई बोल रहे थे खाद और फर्टिलाइजर पे आपने सब्सिडी भी कम कर दी है, ये किसानों साथ धोखा है। आप दूसरी चीज देखिए कि अभी राजीव जी कह रहे थे कि बच्चों को आपने ऑनलाइन क्लासेस की आपने हस्र भी देख लिए हैं कि क्या हस्र है और किस तरह से एजुकेशन किस तरह गर्भ में जा चुकी है। आप किस तरह की डिजिटल की बात कर रहे हैं? नहीं, तुफैल जी, किसान को कोरोना काल में तो कोई ऑप्शन नहीं था, कोरोना काल में तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, करने को तैयार नहीं है, तो किस तरह से आप धोखा दे रहे हैं इस देश को? आपकी जो वित्त नीति है वो अनर्थ नीति बदल चुकी है इस देश की। आप किसानों को धोखा दे रहे हैं। आपने मध्यम वर्ग के लिए क्या किया? राजू जी बार बार ये कह रहे हैं मध्यम वर्ग के लिए क्या किया? जो व्यापारी इस कोरोना काल में बर्बाद हो चुका है उसके लिए आपके लिए क्या पैकेज था? उसके लिए कोई पैकेज नहीं आया। आज अभी जो लोग 2 लाख लोग नौकरियां गंवा चुके हैं, पी चिदंबरम जी ने कहा है, उनके लिए क्या पैकेज है आपका? इस बजट में कोई पैकेज नहीं, आपने नहीं दिया। 20 लाख करोड़ का पैकेज लाए कोरोना काल, लेकिन नौकरियों के लिए, युवाओं के लिए आपने देने के लिए क्या किया? सरासर ये सरकार झूठ बोल रही है इस बजट में। निर्मला सीतारमन जी लगातार चौथे बजट में झूठ बोल रही है। कोरोना काल में लाखों युवाओं की और लोगों की नौकरियां चली गई, यहां तक कि संस्थान बंद हो गए। आप किस तरह की डिजिटल बात कर रही हैं? आपने किसानों के साथ धोखा किया इस बजट में। नहीं, वो डिजिटल की वजह से ही नौकरी कर भी पाए, वर्क फ्रॉम होम, ये भी देखिए आपको मानना पड़ेगा जी। आप 4% लोग, देखिए 4% लोग, क्या आपने आप गरीब परिवार के बच्चा जिसके पास 250 रुपए रिचार्ज कराने के परिवारों पास नहीं थे, आप उनको एजुकेशन की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ अमीर वर्ग, गरीब वर्ग तो पढ़ाई नहीं कर पाया इस कोरोना काल में। आप वही किसानों साथ लाना चाहते हैं? किसको देश में भ्रमित कर रहे हैं आप? पूरे देश को आप भ्रमित कर रहे हैं डिजिटल करके। लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे अभी हमारे सपा के साथी ने कहा कि ना सिंचाई की सुविधा है, ना उसके पास खाद है। सुनिए जी, खाद में आपने रेट बढ़ा दिए, क्या आपने कुछ किया? बिजली के रेट बढ़ चुके हैं, आज किसान बिजली और बिजली बिलों से और खाद में परेशान है, उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। समर्थन मूल्य की बात इस बजट में नहीं की गई। आप देखिए, ये पूरा बजट पूंजीवादी बजट है। विकास जी काउंटर कीजिए, विकास जी, विकास श्रीवास्तव जी, विवेक जी माफ कीजिएगा, विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव जी, जी विवेक जी काउंटर कीजिए। देखिए,
तुफैल जी, जिस तरह से बजट की आलोचना कर रहा है उसका अपना विवेक है। सही बात, बजट में जो अच्छी बातें हैं मैं उसको चर्चा करूंगा। इस तरह से कृषि उपकरणों में टैक्स में छूट दी गई, उद्योग लगाने के लिए उद्योगों को टैक्स में रियायत, अभी आप 16 लाख नौकरियों की जाने क्या टैक्स में रियायत दी गई। विवेक ये भी तो खोल दीजिए, आपने टैक्स में तो चला में कोई परिवर्तन ही नहीं किया है, कोई राहत ही नहीं दी है आपने तो विवेक जी, टैक्स को नहीं किया जो आपकी सरकार चला रहे हैं, जो आप कृषि पर कब्जा करना चाहते हैं, जब किसानों ने 700 किसानों की मौत में आपको भी शर्म नहीं आती है, आपने उन परिवारों को जो 700 किसान मरे उनके परिवारों को इस बजट में कोई पैकेज दिया? आप अपने आप बताइए सामने होते तो विवेक जी आप अपनी बात रखिए पूरी। किसानों को धोखा देने के लिए, विवेक जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। तो फैज जी बोलिए, विवेक जी नहीं, आपको पूरा समय मिल रहा है, बोलिए अपनी बात रखिए विवेक जी। जिस तरह से उद्योगों को टैक्स में रियायत दी गई है, हाँ, इससे भले भूले नौकरियां भी वापस आएंगी, इसका मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बजट के दुर्गामी परिणाम होंगे, इससे ये विकास विश्वास का बजट है, इससे देश प्रगति पथ पे लगेगा। जिस तरह से आपने देखा हुआ कि कोविड काल में देश की जीडीपी को कृषि ने संभाल रखा था, इससे कृषि जगत में एक अच्छी लहर आएगी, उस वजह से आपकी अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आएगी, जो पटरी चार नहीं है और गति मिलेगी, जीडीपी में सुधार आएगा। पांच साल की आपकी सरकार है, 3 बजट जा चुके हैं आपके, 3 साल में आप बता दीजिए, 5 साल बता दीजिए कौन बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर आया, आप बता दीजिए इस सरकार में कौन से कॉर्पोरेट के आपके पास आए, बस उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े उद्योग, ठीक है ठीक है, बताइए आप पहले मत। विवेक जी अभी आपने कहा कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं, इसके दूरगामी परिणाम उसी तरीके से होंगे जैसे स्विस बैंक से काला धन आ रहा था, 15 लाख रुपए आ रहे थे, पेट्रोल सस्ता हो रहा था, डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तरीके से गिर रहा था उसको आप उठाने वाले थे, निश्चित रूप से 2 करोड़ रोजगार आप देने वाले थे, उसी तरीके से दुर्गामी परिणाम आने वाले हैं, ये बजट सिर्फ उसी तरीके का है। आप टैक्स बार बार करें, टैक्स चोर को क्या दिया बताइए, टैक्स चोर के लिए क्या दिया, ये मध्यम वर्ग और गरीब होगा और गरीबी की रेखा से नीचे खींचा जाएगा और अमीर वर्ग और अमीर होगा, ठीक है उनसे जवाब ले लेते हैं, ठीक है जवाब ले लेते हैं। पूंजीवादियों का सरकार जो ध्यान रखा गया इस बजट के अंदर, हाँ ठीक है, आम आदमी के लिए कोई, आवाम व्यापारी जल्दी से, मझोले किसान विवेक जी जल्दी से जवाब दे दीजिए इस बात का। आदित्य जी जी इनके प्रश्न आप ले लें, ये लोग बहुत शोर कर रहे हैं, मुझे मेरे कान में आवाज नहीं आ रही है, इनके प्रश्न आप मुझे देते मैं इसे करके सबके जवाब दे दूंगा, मुझे जवाब देने में किसी की कोई समस्या नहीं, लेकिन मुझे इस बात को सुनाई पड़नी चाहिए, मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूँ, इन्हें बात समझ में आनी चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए बार बार जो ये लोग कह रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी के लोग हमारे बड़ा चिल्ला रहे हैं, इनकी तरह हमने परेश की सही होती है, अरे तीन उद्योग बता दो, अरे सुहेल जी उनको अभी बात पूरी कर लेंगे, सुहेल जी इंटरप्ट उन्हें अपनी बात पूरी कर लें दीजिए, तो सुहेल जी बोलिए, बात तो नहीं है, तुमने क्या तो नहीं तोड़ा लिए, इन्होंने जब कर्ज माफी की तो उस बैंक से की कर लिए, अरे हमने कर्ज माफी करी तो लोगों को राहत मिली, किसानों को आत्महत्या करने से रोका, हमने किसानों के कृषि उपकरणों में टैक्स में रियायत दी है, अरे खाद और फर्टिलाइजर में सब्सिडी भी कम कर ली है, इस पे तो जवाब दीजिए आप, खाद की बोरी पर 50 किलो की बोरी 45 किलो कर दी और
खाद के रेट बढ़ा दिए, ये विकास कर रहे हो आप लोग, आप लोग ये किसानों का छल कर रहे हो, किसानों को इसका लाभ मिलेगा, बिजली के बिल बढ़ा दिए, बिजली की दरें बढ़ा दी आपने, ये आपने किसानों का धोखा किया। हत्या करने में विश्वास रखते हैं, चर्चा नहीं करने में विश्वास, दबाव में नहीं आने, बेरोजगारों किसानों के साथ धोखा किया है आपने, आपकी सरकार ने, मुझे धोखा किया बोलने का, मैं आज जिसकी दोस्तों का सम्मान करते हुए जब तक उनसे नोएडन में बोलूंगा। आपकी नीति ठीक है, आपकी आर्थिक नीति अनर्थ नीति बन चुकी है इस देश के लिए, देश विदेशी कर्ज के डूब चुका है ये देश, और जीएसटी का जो पैसा ला रहा है आ रहा है आपके प्रधानमंत्री अपनी शानो शौकत करोड़ों रुपए अरबों रुपए अपनी शानो शौकत में खर्चा कर रहे हैं, दुनिया के महंगे से महंगे। ठीक है ठीक है, तुफैल जी मैं राजीव जी के पास आना चाहूंगा। राजीव जी, क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है, डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगी आरबीआई, 30% टैक्स देना होगा उससे जो कमाई लोग करेंगे, इस प्रक्रिया को थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए दर्शकों को। देखिए, डिजिटल करेंसी ये है, जैसे हाँ। कि आप सबने सुना होगा बिटकॉइन और इस तरह की, जो इसको हम डिजिटल करेंसी बोलते हैं, तो सबसे पहले तो कि अभी तक सरकार उसको लीगल करने के मूड में ही नहीं थी, वो मानती ही नहीं थी कि वो हमारे इकोनॉमी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि वो टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल नहीं है बिल्कुल। तो अभी क्या किया है कि सरकार ने एटलीस्ट पहला कदम उठाया, हाँ। तो सरकार ने क्या किया है कि जो भी उससे हमारी आमदनी होगी उससे वो 30% का टैक्स लेगी। उसमें एक चीज और है, गौर करने वाली चीज है कि सरकार ने यह कहा है कि हम इसमें अगर इसके आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर कोई लॉस होता है डिजिटल करेंसी के लेन देन में, तो हम इससे उसको सेटअप नहीं करेंगे, मतलब जब प्रॉफिट होगा तो हम आपसे टैक्स लेंगे। दूसरी एक चीज इसमें और है कि जब आप डिजिटल एसेट को, उसने गवर्नमेंट ने डिजिटल एसेट बोला है, करेंसी का ड्राफ्ट आएगा जी, तो जो डिजिटल एसेट अगर आप ट्रांसफर करते हैं एक नाम से दूसरे नाम पे ट्रांसफर करते हैं, तो उस पे 1% का टीडीएस भी लगेगा। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट आरबीआई के अंडर अपना डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने जा रही है अगले वित्त वर्ष में, जो कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पे आधारित होगा। अब ब्लॉकचेन क्या होता है कि ब्लॉकचेन में ये होता है कि जो भी डेटा होता है उसको माना जाता है बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, डिजिटल सिग्नेचर उसमें यूज किए जाते हैं जी, उसकी हैकिंग डिजिटल जो उसमें सारे लेन देन के कौन बायर है कौन सेलर है क्या रेट है कितनी क्वांटिटी है, तो ये सारी चीजें होती है, तो उसको हैक करना या उसको कॉपी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो डिजिटल करेंसी, तो इसलिए क्या है कि देखिए डिजिटल करेंसी में बहुत लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पे रेवेन्यू लूज कर रही थी और एक जो बिजनेस था उसको लूज कर रही थी, तो वहां से सरकार का मेकासी जो कदम उठाया है इसको एक अच्छा माना जाएगा। हालांकि उन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा इस पे लगा दिया और 30% का टैक्स लगा दिया। दूसरा ये भी कह रही है कि हम इसको सेटअप नहीं करेंगे, तो इस पे हो सकता है कि आगे चल के कुछ हो, लेकिन अभी तो ये पहला कदम है जो कि ये हम इसको वेलकम करते हैं। ठीक है डॉक्टर नितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा। 2025 तक गांव को ब्रॉडबैंड सर्विस से जोड़ दिया जाएगा, ऐसा कहना है इस बजट में कहा गया है 2025 तक। ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, कुछ चीजों का तो समर्थन आप कर सकते हैं इस बजट में। मैं बिल्कुल, अगर ये चीजें वास्तव में जिसके लिए की जा रही है हाँ। वो उसके लिए वास्तव में उपयोगी होंगे तो उसका स्वागत किया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज डिजिटल इंडिया की बात हो रही, हाईटेक खोलने की बात हो रही, सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी बात, लगभग 6.5 लाख गांव हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आज गांव की स्थिति का मूल्यांकन कर लीजिए, भारत बहुत विशाल देश है, अभी जहां एक बल्ब नहीं पहुंचा, एलईडी नहीं पहुंची है, हम वहां बात तो कर रहे हैं कि हम वहां वाईफाई कर देंगे, ब्रॉडबैंड कर देंगे, सारी चीजें। आज एक जो मोबाइल है इसका डाटा 24 दिन का महीना कर रहा है, प्राइवेट कंपनियां 24 दिन का महीना है, पहले 28 दिन का हुआ करता था, 28 दिन का था, अब उसको 24 दिन का कर दिया। 250 रुपए का, 249 रुपए का एक रिचार्ज, जिसमें 1.5 GB डेटा मिलता है, जो एक 1.5 घंटे में समाप्त हो जाता है कंटिन्यूटी पर, और उसको लेकर के आज इसकी बाइंग कैपेसिटी भी तो बढ़ानी होगी। आज किसान के लिए आप कहते रहो कि मैं ब्रॉडबैंड भी ले आऊंगा, डिजिटल इंडिया कर दूंगा, 5G भी ला रहे हैं, 5G ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे, लेकिन इसकी बाइंग कैपेसिटी की स्थिति क्या होगी, क्या किसान इसको अफोर्ड कर सकता है? एक गरीब किसान जिसके पास 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे 5 बीघे भी जमीन है, तो उसकी लागत और उसके खर्चे उसके श्रम निकालने के बाद उस पर इनका कोई स्थान नहीं रहता है। निश्चित रूप से कि एजुकेशन के लिए आवश्यक है, कोरोना काल में कॉलेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, बच्चे स्कूलों से
दूरी बनाकर घर में पढ़ते हैं, उनकी मजबूरी है कि चलिए उनको हमें डिजिटलाइज करना है। तो जो अच्छे अभिभावक हैं, जो मध्यम और उच्च मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो तो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सामान्य किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके लिए जरूरत थी कि कुछ ऐसी सब्सिडी लाई जाती, कुछ सब्सिडी व्यवस्था की जाती कि किसानों को ये कुछ मुफ्त जैसा कर देते, उनको सस्ते दरों में कुछ चीजें उपलब्ध कराने का काम करते जिससे किसानों के बच्चे पढ़ सकते। तो ऐसा कुछ तो इस बजट में नहीं है। आज BSNL को आपने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आज BSNL के लिए आप क्या ले आए हैं? क्या 5G सुविधा आज 4G नहीं दे पाए BSNL? LIC का IPO भी आ रहा है, LIC का IPO आ रहा है, बिल्कुल। मैं BSNL की जो आज बार बार डिजिटल डिजिटल आपने बताया कि 90 मिनट के भाषण में कितने बार उन्होंने डिजिटल शब्द का उपयोग किया है? लगभग 48 बार डिजिटल शब्द का उपयोग जोर दिया गया है, उस पे एम्फसिस किया गया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन डिजिटल जिससे किया जा सकता था, हमारा भारतीय निगम BSNL जो आज तक 4G नहीं दे पाया, वो क्या 5G और उसकी स्थिति क्या है? नहीं, उन्होंने ये कहा है 5G के बारे में कहा है कि प्राइवेट कंपनियां स्पेक्ट्रम खरीदेंगी, सरकारी मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनियां आती हैं, थोड़े दिन पर मुफ्त का एडवर्टीजमेंट करती हैं, जिसके बाद जिस तरीके का खून चूसने का काम, जियो की बात कर रहे हैं आप, जियो और उससे रिलेटेड सारी कंपनियों के डाटा लगभग एक जैसे, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी आज की डेट पर कंपनी है, दो कंपनियां तीन कंपनियां जो भी काम कर रही, सबके लगभग पैकेज एक जैसे हैं, जो लेकिन कुछ कंपनियां शुरू में मुफ्त के नाम पर आई और लोगों को अपना ग्राहक बनाया, बिल्कुल आज कितना फ्री में से बांटे उन्होंने, ठीक बात है। तो वो फ्री बांटना तो उनके एडवर्टीजमेंट का एक पार्ट होता है, जितना वो होर्डिंग पोस्टर और विज्ञापनों में खर्च करते हैं उतने रुपए में वो मुफ्त के नाम पर अपने कस्टमर बना लेती है और बाद में उनसे भारी पैमाने पर बड़े मात्रा में पैकेज के नाम पर पैसा वसूल करती है, लेकिन लोग तब तक आदी हो चुके हैं, मजबूरी होती है, किसी भी तरीके से का हिस्सा बन गया, आपने करा नहीं है, ठीक है, ठीक है नितिन जी। तो ये एक पूरी तरह, तो फैले अहमद जी आपके पास आना चाहूंगा, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये निश्चित रूप से कॉर्पोरेट का फायदा पहुंचाने वाला और किसानों से जबरदस्त वसूली करने वाला बजट। 30 सेकंड में आप बता दीजिए किसानों के लिए और कुछ किया जा सकता था, क्योंकि आपको तो इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा, नहीं किसानों के लिए, रोजगारों के, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, MSP पे कानून लाया जा सकता था। हाँ। और दूसरी चीज समझ लीजिए, फर्टिलाइजर्स को आज सब्सिडी को बढ़ाया जा सकता था, और दूसरी चीज खाद के रेटों को कम किया जा सकता था। इस बजट में यह भी प्रावधान किया जा सकता था कि किसानों को जो बिजली की दरें हैं उसमें खास कर किसानों को राहत प्रदान की जाएगी और समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। अच्छा। और जो लोन है बैंकों का वो और भी सुविधाजनक बनाया जाएगा और एक पैकेज दिया जाएगा RBI के द्वारा कि जो किसान मध्यम वर्ग का किसान है, गरीब किसान है, अभी हमारे राजू जी कह रहे थे डिजिटल, नितिन जी सही कह रहे थे कि अगर डिजिटल, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, गरीब आदमी किसानों के पास, सच्चाई यही है, तो पहले मत साहब लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, लेकिन डेटा डलाने के लिए पैसा है, आने के बाद सवाल इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आज जब 4G में किसान नहीं अपने रिचार्ज करा पा रहा है तो 5G में कैसे अफोर्ड कर पाएगा? और दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए कि जब आपने BSNL को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, ये प्राइवेट चैनल, प्राइवेट लोग जो कॉर्पोरेट लोग हैं, डिजिटल के नाम पर पहले शुरुआत में फायदा दिखाएंगे, बाद में गरीब किसानों का खून चूसेंगे और उसी के फायदे के लिए यह बजट लाया गया है। डिजिटल की बार बार प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं, उनका खास कर मकसद है कि पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करना है, ठीक है। और यह बजट आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए धोखा साबित हुआ यह बजट, ठीक। और खासकर जो आपने कहा अभी कि युवाओं के लिए, ये सिर्फ दो धोखा है, 2 लाख हर साल युवा अपनी नौकरी गंवा रहा है, 60 लाख ला रहे हैं ना, 60 लाख ला रहे ना जी, ला रहे जी, ये सिर्फ जुमलेबाजी से, चलिए ठीक है, सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी पर ये सरकार चुप की हुई है, ठीक ठीक। राजीव सिंह जी आपके पास आऊंगा, एक लाइन में पहले तो ये बता दीजिएगा ये बजट लोगों के लिए कैसा है, दूसरी चीज इस बजट के आने के बाद क्या 25 साल का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा, बहुत कम शब्दों में, बहुत जल्दी, मुझे क्लोजिंग करनी जी। देखिए जैसे लोगों के लिए बजट देखे तो हमने जैसे ही कहा था कि ज्ञान विज्ञान किसान के इर्द गिर्द ये घूम रहा था, लेकिन जो सैलरीड क्लास था उसको इसने निराश किया है, आप समझ रहे हैं ना। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, घर में जैसे गुस्सा पापा होते हैं, कुछ मांगने जाते एकदम से गुस्से में देखते हैं कि हाँ, तो ये उनके साथ ऐसे ही हुआ, ठीक ठीक। हम अगर कुछ टैक्स में रियायत की बात करें तो
लेकिन एक अच्छी चीज मुझे क्या लगी कि सरकार 7.5 लाख करोड़ जो कि तकरीबन जीडीपी का 2.9% होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने जा रही है कि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा, आधारभूत ढांचे को लेकर जो बात की जा रही है 5.5 लाख करोड़। ठीक है, ठीक है राजीव जी, इस वक्त इतना ही था मेरे पास। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। क्या कुछ रहा खास, क्या कुछ मिला आपको? उम्मीदों का बजट था, आपको क्या कुछ मिला? आपकी क्या उम्मीद थी, आपकी क्या आशा थी सरकार से? किसानों के लिए पिटारा खोला, बहुत सारी बातें बता दी गई बजट के दौरान, अब वो धरातल पर कितना दिखती वो बड़ी बात है। 5.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे, 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया गया है लेकर के चलें। रोजगार 60 लाख रोजगार बहुत होता है, अगर इतना मिल जाए तो शायद देश में जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही, आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।